हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द एनलाइटेंड एकेडमी। मेरा नाम है धीरज और आज हम समझेंगे पूरे डिटेल में कि मिसाइल क्या होती है, और विशेष रूप से ये समझेंगे कि भारत की सैन्य शक्ति में कौन कौन से मिसाइल हैं और ये कैसे हमारे भारत की रक्षा करने में सक्षम है। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ जानने को। बट बिफोर वी बिगिन, ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चंस और डाउट आप पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने एनलाइटेंड एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लें वेरियस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि मिसाइल होती क्या है। देखिए, मिसाइल एक अनमैंड रॉकेट की तरह होती है। मैं यहाँ पे अनमैंड कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि एक ऐसी रॉकेट जिसमें इंसान ट्रैवल नहीं कर सकते। डेफिनेटली जो इंसान ट्रैवल करते हैं वो स्पेसक्राफ्ट में करते हैं जो रॉकेट की तरह दिखती है, करेक्ट। तो ये रॉकेट जो मिसाइल होती है वो एक अनमैंड रॉकेट होती है जो एक बहुत ही ज़्यादा पेलोड बारूद जिसे ले करके जाती है जहाँ पे उसे किसी पर्टिकुलर टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो मिसाइल का एक काम होता है, मिसाइल का बेसिक सा एक काम होता है कि वो अपने ओरिजिन से निकलेगी और एक टारगेट डिसाइडेड होता है कि जिस टारगेट को उसे हिट करना है और उसे डिस्ट्रॉय करना है। इस पर्पज़ के लिए एक जो सिस्टम यूज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिसाइल। जब मिसाइल को डिज़ाइन किया जाता है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि ट्रैजेक्ट्री, वॉरहेड, रेंज, वेलोसिटी एंड लॉन्च प्लेटफॉर्म। अब ये सारी चीज़ें क्या है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। ट्रैजेक्ट्री, देखिए, एक रॉकेट अगर एक सोर्स से फ्लाई करेगी और एक टारगेट को हिट करेगी, डेफिनेटली वो एक पाथ को फॉलो करेगी। जब वो एक पाथ को फॉलो करती है, उस पाथ किस पाथ से फॉलो करेगी, वो पाथ कैसी होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्ट्री। तो ये डिसाइड किया जाता है पहले कि ट्रैजेक्ट्री एक मिसाइल की कैसी होगी और वो किस तरीके से किस पाथ को फॉलो करते हुए पर्टिकुलर टारगेट को हिट करेगी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे वो होती है लाइक एक वॉरहेड। ये वॉरहेड मिसाइल की एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होती है। दैट मीन्स कि जो पेलोड बारूद या फिर किसी भी तरीके, लाइक न्यूक्लियर वॉरहेड भी होती है जिसमें हम न्यूक्लियर बॉम्ब को वहाँ पे रखते हैं, और वो मिसाइल वो न्यूक्लियर हो या किसी भी तरीके की वॉरहेड को कैरी करती है। क्योंकि मिसाइल किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, मिसाइल बस उस वॉरहेड को या फिर उस पेलोड को ले करके जाता है और पर्टिकुलर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। तो वॉरहेड जो होती है वो बेसिकली पेलोड को कैरी करने का काम करती है, और हम बहुत ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन करते हैं वॉरहेड को कि कितना पेलोड उस वॉरहेड में आ सकता है या वॉरहेड में मुझे कितनी कैपेसिटी की पेलोड रखनी है, उस हिसाब से हम वॉरहेड को डिज़ाइन करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आपके बात है लाइक रेंज, वेलोसिटी, लॉन्च प्लेटफॉर्म। रेंज क्या होती है, फॉर एग्जांपल कि एक मिसाइल जो होती है उसकी पर्टिकुलर रेंज डिसाइड कर दी जाती है कि वो एक अपने सोर्स से ओरिजिन तक की कितनी डिस्टेंस को वो फॉलो कर सकती है। तो एक रेंज हम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अग्नि 5 की अगर आप बात करें तो अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 से 8000 के बीच में है। तो बेसिकली हम उसे 5000 किलोमीटर कहते हैं, 5000 किलोमीटर तक के ओरिजिन से लेकर के टारगेट तक पहुंचने में वो 500 किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सकती है। सो ये होती है किसी भी वेरियस मिसाइल की रेंज। नाउ वेलोसिटी, हम वेलोसिटी भी डिफाइन करते हैं कि किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से ये ट्रैवल करेगी, क्योंकि एक टाइम भी डिसाइडेड होता है एक टारगेट को। फॉर एग्जांपल कि अगर एक टारगेट कोई स्पेसक्राफ्ट ही हो, या फिर आप कह सकते हो क्योंकि एक अनदर मिसाइल हो, अगर उस मिसाइल को इस मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना है तो डेफिनेटली वो भी एक स्पीड में होगी। तो ये किस तरीके से, किस स्पीड पे ये जाएगी और उस टारगेट को हिट करेगी, तो वो बताती है वेलोसिटी। तो हम जब मिसाइल को डिज़ाइन करते हैं तो उस समय हम वेलोसिटी, रेंज, इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। नाउ फाइनली इज़ द लॉन्च प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या होता है कि नाउ फॉर एग्जांपल एक मिसाइल को आप एयर से भी डिप्लॉय कर सकते हो, लाइक एक किसी पर्टिकुलर मिराज जेट प्लेन हो गया, वहाँ से भी आप मिसाइल को फायर कर सकते हो। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, आप ज़मीन से, आर्टिलरी गन से, यहाँ से भी आप मिसाइल को फायर कर सकते हो, और यहाँ तक कि पनडुब्बी सबमरीन्स हो गए या नेवल शिप्स हो गए, वहाँ से भी किसी भी मिसाइल को प्लेस किया जा सकता है, या फिर वहाँ से भी मिसाइल को दागा जा सकता है। तो ये डिसाइड होती है कि लॉन्च प्लेटफॉर्म की, एक मिसाइल किस किस पर्टिकुलर लॉन्च प्लेटफॉर्म से, एयर से, वाटर से या लैंड से हिट कर सकते हैं उसे, तो ये भी डिसाइड किया जाता है। नौ, जो मेजर मैकेनिज्म होती है मिसाइल की वो होती है प्रोपल्शन सिस्टम।
गाइडेंस सिस्टम, एरोडायनेमिक्स फीचर एंड वॉरहेड। आप पिक्चर को ध्यान से देख रहे होंगे, ये पिक्चर जो है वो बेसिकली एक बता रही है कि मिसाइल की एनाटॉमी कैसी होती है। एनाटॉमी बोले तो एकदम मिसाइल अंदर से कैसा दिखता है, क्योंकि बाहर से हमें तो पूरे कलरफुल दिख रही होती है एक कलर की, लेकिन उसके अंदर जो डिज़ाइंड कैसे है, उसके कॉम्पोनेंट्स कैसे कैसे सेटअप किए गए हैं, ये आप इस पिक्चर से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रोपल्सन सिस्टम है, विंग्स है, फ्यूल है, कंट्रोल गाइडेंस है एंड वॉरहेड है। नाउ जब एक मिसाइल को डिज़ाइन किया जाता है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि इसकी प्रोपल्सन सिस्टम क्या होगी। तो समझते हैं कि करके कि प्रोपल्सन सिस्टम क्या होती है। लाइक प्रोपल्सन सिस्टम, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है मिसाइल को मूव कराने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मिसाइल को ये मूव करेगी, जब तक ये मिसाइल मूव नहीं करेगी तब तक ओरिजिन से टारगेट तक नहीं जाएगी। तो इसको मूव कराने के लिए, जो प्रोपेल कराने के लिए हम एक सिस्टम पूरा डिज़ाइन करते हैं कि किस तरीके से मिसाइल मूव करेगी अपने ट्रैजेक्टरी पे, तो वो काम करती है प्रोपल्सन सिस्टम। नाउ एक मिसाइल डेफिनेटली किसी ना किसी फ्यूल से चल रही होगी, करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हम अपने कार और कार में या किसी भी व्हीकल में पेट्रोल और डीजल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे फ्लाइट उड़ रहे होते हैं वहाँ पर भी एविएशन फ्यूल का यूज़ होता है। नाउ सिमिलरली इसको भी, एक रॉकेट को भी मूव करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। और ये जो फ्यूल होती है वो तीन तरीके की हो सकती है, ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, या फिर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, जिसे हम हाइब्रिड फ्यूल बोलते हैं, करेक्ट। नाउ ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ गाइडेंस सिस्टम, अब ये गाइडेंस सिस्टम का काम क्या होता है? ये ध्यान रखती है मिसाइल अपने पाथ को मेंटेन्ड रखे। अगर एक मिसाइल अपने पाथ को फॉलो कर रही है तो उस पाथ को मेंटेन्ड रखे, ना कि किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आकर के वो मिसाइल अपने पाथ से भटक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, पता चला कि किसी एक जगह को हिट करना है तो वो कहीं दूसरे जगह पे जा कर के हिट कर देगी। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जिस सिस्टम का डेवलपमेंट किया जाता है उसे हम गाइडेंस सिस्टम बोलते हैं, करेक्ट। नाउ एरोडायनेमिक्स फीचर, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होती है। लाइक इसका काम होता है मिसाइल को कंट्रोल में रखना, कंट्रोलिंग सर्फेसेस भी हम इसे बोलते हैं। कि एक मिसाइल अगर फ्लाई कर रही है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है, ये डिसाइड करती है एरोडायनेमिक्स फीचर। नाउ फाइनली जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होती है वॉरहेड, जो मैंने आपको स्पेशली बता दिया कि वॉरहेड एक ऐसी कंपोनेंट होती है और इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा पेलोड कैरी करना है तो मुझे वॉरहेड का जो डिज़ाइन है उसको बड़ा रखना पड़ेगा कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल 1000 kg ऑफ द पेलोड, 2000 kg ऑफ द पेलोड एक मिसाइल कैरी कर सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वॉरहेड, ओके। नाउ समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल। सो अब ये जो मिसाइल होती है आप उसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि टाइप के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, लॉन्च मोड के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, रेंज, प्रोपल्सन, वॉरहेड एंड गाइडेंस सिस्टम के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये पूरी क्लासिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू और इसके फर्दर जो भी पार्ट में वीडियोस आएंगे उसके थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा। और इवन आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि इंडिया के आर्सेनल में किस तरीके की कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल है, और वो मिसाइल की पूरी जानकारी मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेन क्लासिफिकेशन होती है मिसाइल की, कि अगर आपके पास मिसाइल्स हैं अगर आप उनको क्लासिफाई कर पाओ, तो सबसे पहले मेन क्लासिफिकेशन जो होती है वो टाइप के आधार पे होती है। एक मिसाइल को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो मेनली, पहला लाइक क्रूज मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल, करेक्ट। नाउ ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, तो एक एक करके समझते हैं कि ये दोनों है क्या। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि क्रूज मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल, ये एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है। मैं आपको समझाता हूँ कि डिफरेंस क्या है। क्रूज मिसाइल एक अनमैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड व्हीकल होती है, दैट मीन्स अनमैन्ड होगी, डेफिनेटली हर मिसाइल अनमैन्ड होती है, सेल्फ प्रोपेल्ड, खुद से ये प्रोपेल करेगी। इसको प्रोपेल कराने के लिए ना तो इसमें कोई ड्राइवर होना चाहिए जो इसको ड्राइव करो, वो सेल्फ प्रोपेल्ड होगी, खुद से वो प्रोपेल करके आगे बढ़ेगी। और गाइडेड व्हीकल मतलब इसकी जो गाइडेंस होगी, जो हमने गाइडेंस सिस्टम पढ़ा था, ये किस ट्रेजेक्ट्री में जाएगी, किस पाथ को फॉलो करेगी, वो डिसाइडेड होती है कि एक गाइडेड व्हीकल, करेक्ट, ओके। नाउ ये हमेशा अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही फ्लाई करेगी। नाउ फॉर एग्जांपल आपको भी पता है
कि एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं, जहाँ पे हमारे अर्थ में जहाँ तक एयर है हम उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अगर एयर के पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसे एटमॉस्फेयर को भी डिवाइड कर दिया जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो क्रूज मिसाइल है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से के बाहर नहीं फ्लाई कर सकती, इसकी जो फ्लाइंग जोन होगी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ही लिमिटेड है। करेक्ट। अगर आप क्रूज मिसाइल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, अगर फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं क्रूज मिसाइल को, तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे लाइक स्पीड के आधार पे कर सकते हैं, साइज के आधार पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म एट्सेट्रा। करेक्ट। नाउ जो मेन क्लासिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होती है क्रूज मिसाइल की, उसको हम स्पीड के आधार पे करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्रूज मिसाइल की। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेनली हम मिसाइल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो क्रूज मिसाइल और एक ब्लास्टिक मिसाइल। नाउ अब जो मेन बाकी जो आधार पे है, लाइक स्पीड हो गई, रेंज हो गई, लॉन्च प्लेटफॉर्म हो गया एट्सेट्रा, इनके आधार पर मैं इन क्रूज मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि क्रूज मिसाइल को जो सबसे इम्पॉर्टेंट आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट आधार होता है स्पीड। नाउ देखते हैं कि स्पीड के आधार पर किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप क्लासिफाई इसे कर सकते हैं सबसोनिक क्रूज मिसाइल। अब ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में भी आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो एक ऐसी स्पीड पे ट्रैवल करती है जो साउंड की स्पीड से कम है। तो जनरली ऐसा माना जाता है लाइक 0.8 मैक, ये मैक एक यूनिट है जो साउंड की स्पीड को बताता है, बेसिकली इसे हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड से कम स्पीड में ट्रैवल करती है उस तरीके की मिसाइल को हम सबसोनिक मिसाइल बोलते हैं, जिसकी स्पीड लेस देन 0.8 मैक के आसपास होती है। नाउ रिसेंटली अभी न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा था, निर्भय मिसाइल ऑफ इंडिया की, निर्भय की टेस्टिंग हुई थी, वो सक्सेसफुल हो गई थी। आफ्टर चार बार फेल्ड होने के बाद फाइनली निर्भय एक बार सक्सेस हुई, दो बार हो गई थी, फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुल थी, कंटिन्यूसली चार फ्लाई नहीं हो पाई, एंड फाइनली निर्भय मिसाइल की जो डेवलपमेंट है उसकी टेस्टिंग जो हो रही है वो हो रही थी। तो ये जो निर्भय मिसाइल है इंडिया की, वो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, उसके पास ऑलरेडी एक क्रूज़ मिसाइल है जिसका नाम है बाबर, जिसको हद्व 7 भी बोलते हैं ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरीके से यूएस के पास भी सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, टॉम हॉक ऑफ यूएसए। करेक्ट। नाउ सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, अगर आप सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के बारे में बात करेंगे, तो सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जिसकी स्पीड 2 से 3 2 से 3 मैक के आसपास होती है। तो ये बेसिकली एक साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए हम इसे सुपरसोनिक बोलते हैं, जो साउंड की गति से भी तेज में फ्लाई कर रही होती है, जैसे लाइक ब्राह्मोस ऑफ इंडिया। नाउ ब्राह्मोस आपको पता है कि रशिया और इंडिया की मदद से एक मिसाइल सिस्टम तैयार की गई है, जिसे क्रूज़ मिसाइल तैयार किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मोस, जो बहुत ही सुपरसोनिक मिसाइल है, बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती है। राइट। नाउ ये जो ब्राह्मोस है, इवन पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक जैसी कोई मिसाइल नहीं है फिलहाल तो, लेकिन वेरियस कंट्रीज़ के पास सुपरसोनिक मिसाइल है। नाउ कम टू द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, दैट इज़ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जिसकी स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा, मतलब लाइक बहुत ही लाइटनिंग स्पीड आप बोल सकते हो, हाइपरसोनिक लाइटनिंग स्पीड से भी जाती है, लाइक 5 मैक से भी गति, 5 मैक से भी ज़्यादा इसकी गति होती है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अभी तक दुनिया में किसी के पास भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, ना ही इवन यूएसए के पास भी नहीं है। इंडिया के पास अभी ब्राह्मोस 2 मिसाइल, वो और रशिया मिलकर के, इंडिया एंड रशिया मिलकर के इसको डेवलप कर रही है। इवन यूएस भी मिसाइल को डेवलप कर रही है बोइंग नाम से, वो भी इस मिसाइल को, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप कर रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो इतनी फास्टनिंग स्पीड में हो, बिकॉज जिस तरह से हमारे जियोपॉलिटिक्स ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हैं, वी नीड अ क्विकर एक्शन अगेंस्ट सर्टेन, अगर किसी भी तरीके के हमले होते हैं, तो इसके लिए हमें एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार से एक पर्टिकुलर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर ले। तो जिस तरीके से हमारी इन्हांसमेंट हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम भारत जैसी कंट्री ब्रह्मोस 2 डेवलप कर रही है, डिस्पाइट कि अभी तक वर्ल्ड में किसी के पास भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं प्रेजेंट है।
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको पोस्ट किए हुए हैं। एक तो है ब्रह्मोस मिसाइल की पिक्चर है, और ये भी क्रूज़ मिसाइल है, और ये सेकंड क्रूज़ मिसाइल जो हमारे इंडिया के आर्सेनल में है वो है निर्भय मिसाइल, करेक्ट। तो ये आप दोनों देख रहे होंगे, तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि अभी तक हमारे पास इंडिया में जो क्रूज़ मिसाइल है, बेसिकली क्रूज़ मिसाइल वो दो ही हैं, एक ब्रह्मोस और एक निर्भय। नाउ अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जैसे हमने बात किया था कि मेनली मिसाइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो क्रूज़ मिसाइल, तो हमने समझ लिया कि क्रूज़ मिसाइल क्या होती है। नाउ जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मिसाइल की वो है प्लास्टिक मिसाइल। नाउ प्लास्टिक मिसाइल क्या होती है एग्जैक्टली, ये भी एक क्रूज़ मिसाइल की तरह ही होती है, जो बस मतलब बेसिकली क्रूज़ मिसाइल की तरह होती है, जिसमें बस एक डिफरेंस होता है, और वो होती है इसकी प्लास्टिक ट्रैजेक्ट्री। अब ध्यान से समझिएगा, प्लास्टिक ट्रैजेक्ट्री जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। अब ना ये प्लास्टिक ट्रैजेक्ट्री क्या होती है, ये लाइक एक ऐसी पाथ होती है, ट्रैजेक्ट्री बनाती है, मतलब लाइक एक मिसाइल एक ऐसी पाथ से फॉलो करेगी जो प्लास्टिक ट्रैजेक्ट्री होगी। ना प्लास्टिक ट्रैजेक्ट्री का मतलब ये होता है कि पैराबोला के शेप में, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि अगर आप एक बॉल को जोर से फेंके ऊपर, तो डेफिनेटली दूर की तरफ वो एक पैराबोला की तरह जाएगी, इसी तरह से नीचे से ऊपर जाएगी, फिर वापस वो नीचे की तरफ आएगी। अब ये बॉल नीचे की तरफ क्यों आती है, बिकॉज़ यहाँ पे ग्रेविटी का फंक्शन होता है। तो बॉल अपनी ग्रेविटी, बेसिकली अपनी ग्रेविटी उसे पुल करेगा, तो एक पर्टिकुलर स्पीड से वो जाएगी, और फाइनली वो अर्थ के लैंड पे बेसिकली आ जाएगी, बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यहाँ पे ग्रेविटी का फंक्शन आ जाता है। अगर आप क्रूज़ मिसाइल की बात करें, वहाँ पे ग्रेविटी एज सच कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होती है मिसाइल, बस ये एक छोटी सी डिफरेंस होती है कि अगर एक ट्रैजेक्ट्री, प्लास्टिक ट्रैजेक्ट्री में मिसाइल अगर फ्लाई कर रही है तो हम उसे ब्लास्टिक मिसाइल बोलेंगे, और अगर ब्लास्टिक ट्रैजेक्ट्री में नहीं कर रही है क्रूज़, ना क्रूज़ का भी एक मतलब होता है, क्रूज़ का मतलब ये होता है कि आपने पर्टिकुलर किसी भी मिसाइल की एक पाथ, एक ट्रैजेक्ट्री, एक स्पीड फिक्स कर दी है जिस पे वो ट्रैवल कर रही है। लेकिन ब्लास्टिक मिसाइल के साथ ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि जब आप इसको लॉन्च करते हैं तो ये लॉन्च होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो गाइडेंस होती है, जो हम बेसिकली इसको जो गाइडेंस सिस्टम इसके प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये फाइनली फिर अर्थ के जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर हो गया, स्टॉर्म हो गया, या वॉट एवर द सिचुएशन, इवन ग्रेविटी, तो ये जो जो सारी करेक्टरिस्टिक्स होती है इसके इन्फ्लुएंस में आती है। तो फॉर एग्जांपल लाइक अर्थ, एक ग्रेविटी, एक अर्थ की जो ग्रेविटी है वो भी वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स है जो ब्लास्टिक मिसाइल को अपनी तरफ खींच लेती है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसकी गाइडेंस सिस्टम काम नहीं कर रही होती है। बट यस, जो इसको डिसाइड किया जाता है, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए किया जाता है, तो हम वो सारी चीज़ें इस पर सेटअप कर देते हैं, वो गाइडेंस सिस्टम हम लगा देते हैं कि डेफिनेटली ये ब्लास्टिक मिसाइल एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकले और टारगेट तक पहुँचे, लेकिन इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो ब्लास्टिक के वे में होगी, कि एक बार ये ऊपर जाएगी फिर वापस वो अपने टारगेट को हिट करने के लिए अपने अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ कर के बेसिकली उस टारगेट को हिट करेगी। तो ये एक बेसिक सी डिफरेंस होती है क्रूज़ मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल में। अगर हम बात करते हैं इंडिया के पास, हमारे पास कौन कौन से ब्लास्टिक मिसाइल हैं, तो बहुत सारी हमारे पास इंडिया के पास तो ब्लास्टिक मिसाइल तो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे लाइक पृथ्वी सीरीज़ की मिसाइल है, अग्नि सीरीज़ लाइक अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, धनुष सीरीज़ की हमारे पास मिसाइल्स है, एटसेट्रा। तो ये सारी ब्लास्टिक मिसाइल हमारे इंडिया के सैन्य शक्ति में है। नौ अगर आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, तो खैर इस पिक्चर में आपको दो पिक्चर ऐसा भी दिख रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2 इसमें ब्रह्मोस लिखा हुआ है, जिसके ब्रैकेट में क्रूज़ मिसाइल ऑलरेडी मेंशन है, और एक यहाँ पे आपको निर्भय भी दिख रहा होगा, इसके भी ब्रैकेट में आपको क्रूज़ मिसाइल दिख रहा होगा। इन दोनों मिसाइल्स को अगर आप छोड़ दें, तो इसके अलावा जितने भी हमारे पास ये पिक्चर में आप मिसाइल देख रहे होंगे, लाइक प्रहार, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि 5 एटसेट्रा, धनुष, ये सारे मिसाइल जो हैं वो इंडिया की ब्लास्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो अभी तक मुझे लग रहा होगा आपको समझ में आ गया होगा कि मिसाइल होती क्या है, मिसाइल को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, मिसाइल में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होती है लाइक क्रूज़ मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारे इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं।